हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैशाली हुड्डा। टुडेज अवर टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डैमेज टिश्यू या स्किन को रिप्लेस किया जाता है न्यूली प्रोड्यूस्ड टिश्यू से। जब भी किसी वुंड की वजह से हमारी स्किन या कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, उसके प्लेस पर नए टिश्यू आते हैं और स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग डिपेंड करता है किस टाइप का वुंड है, उसको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग पर। उसके लिए एक निमोनिक है, वी हैव इंटेजेंट प्राइम मिनिस्टर। इसे वुंड हैव के एच से हीमोस्टेटिस, इंटेलिजेंट के आई से इन्फ्लोमेशन, प्राइम के पी से प्रोलिफ्रेशन से मैचुरेशन। मैचुरेशन को ही हम रिमोल्डिंग भी बोलते हैं। पहले स्टेज आती है हीमोस्टेटिस। हीमोस्टेटिस का एवरेज ड्यूरेशन होता है इंजरी होने से 3 घंटे बाद तक। इसमें एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। एपिनेफ्रिन का काम होता है सॉफ्ट टिश्यू में हो रही ब्लीडिंग को मिनिमाइज करना। वुंड साइट पर प्लेटलेट सेल्स आती है और क्लॉट की फॉर्मेशन करती है। इस स्टेज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। इन्फ्लामेशन का एवरेज ड्यूरेशन होता है हीमोस्टेटिस की एंडिंग से लेकर 3 डेज पोस्ट टू इंजरी। फेजेस वुंड साइट पर आते हैं और जो भी बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी होती है फेगोसाइटोसिस के थ्रू उसको एनगल्फ कर लेते हैं। इस स्टेज में रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलती है। हिस्टामिन इंक्रीज होता है। जो मैक्रोफेजेस वुंड साइट पर आए हैं फेगोसाइटिस के लिए वो ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोलिफ्रेशन। प्रोलिफ्रेशन का एवरेज ड्यूरेशन होता है 3 डेज से लेकर 21 डेज तक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रेनुअल टिश्यू का फॉर्मेशन करना। ग्रेनुअल टिश्यू बनता है मैक्रोफेजेस, ब्लड वेसल्स, फिब्रोब्लास्ट और इमैच्योर कोलेजन से। सबसे पहले ग्रेनुअल टिश्यू की फॉर्मेशन की जाती है। उसके बाद जो भी ग्रेनुअल टिश्यू बनता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और वुंड का सरफेस एरिया डिक्रीज किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद आता है एपिथिलाइजेशन। एपिथिलाइजेशन में वुंड को एपिथिलियल सेल्स के थ्रू कवर किया जाता है और उसके एपिथिलियम बनाई जाती है। नेक्स्ट है मैचुरेशन और रीमोल्डिंग। मैचुरेशन और रीमोल्डिंग का एवरेज ड्यूरेशन होता है 21 डेज से लेकर 1.5 ईयर तक। इस स्टेज में कोलेजन फाइबर की फॉर्मेशन होती है। कोलेजन फाइबर का मेन काम होता है टिश्यू को टेंजाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। कोलेजन फाइबर बनता है फिब्रोब्लास्ट और प्रोकोलेजन जब कंबाइन करते हैं बनाते हैं कोलेजन फिब्रिल्स। कोलेजन फिब्रिल्स फर्दर मैच्योर होकर बनाता है कोलेजन फाइबर्स। नाउ लेट्स समराइज। वुंड हीलिंग की 4 स्टेजेस होती है। हीमोस्टेटिस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। सेकेंड वन इज इन्फ्लामेशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फॉरेन बॉडी को किल करना। एंड थर्ड वन इज प्रोलिफ्रेशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रेनुलर टिश्यू की फॉर्मेशन करना। एंड लास्ट एंड फोर्थ वन इज मैचुरेशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टिश्यू को टेंजाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।